एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन या DMF फंड का ज़्यादातर राज्यों में सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, जिसमें से ज़्यादातर राज्यों में प्रशासन को इसके आवंटन से जुड़ी सही जानकारी ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन DMF जिला स्तर समितियां हैं जो नए खनन कानून के तहत बनाई गई हैं, ताकि खनन प्रक्रिया का प्रभाव झेलने वाले लोगों को फायदा पहुंच सके। DMF के निर्देशों के अनुसार इस फंड का 60% हिस्सा पानी, शिक्षा, सेहत आदि पर खर्च होगा और बाकी हिस्सा सड़क, पुल आदि पर खर्च होगा। ये सारा पैसा सामान्य तौर पर उन लोगों पर खर्च होना चाहिए जिन पर खनन का सीधा दुष्प्रभाव हो रहा है, पर देश भर के कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि सरकारें इस पैसे को अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च कर रही है और प्रभावित लोग जो ज्यादातर ग्रामीण या आदिवासी हैं उनकी अनदेखी की जा रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में यदि आप देखें तो मेजर फंड का जो एलोकेशन है DMF फंड का, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स पे जा रहा है। एक क्लासिक केस है कोरबा। कोरबा में सबसे मैक्सिमम अर्निंग है DMF के खाते के तहत और उनका 60% जो एक्सपेंडिचर्स जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट पे है। क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट? रेलवे कॉरिडोर, ताकि कोल को ही जो है वो एक जगह से दूसरी जगह कैरी किया जा सके। तो ऐसे पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जा रहे हैं जिसका स्पेसिफिक मकसद माइनिंग कंपनीज को ही बेनिफिट पहुंचाना है। यदि आप CAC की रिपोर्ट को देखें, यदि हम सब के ग्राउंड ऑब्जर्वेशंस को देखें, तो ये पूरा पैसा जो है वो अर्बनाइज प्रोजेक्ट में खर्च किया जा रहा है, यानी कि उन लोगों के लिए जो वाकई में माइनिंग से ना अफेक्टेड है, ना उन माइनिंग का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इंपैक्ट जो है वो उन लोगों के ऊपर पड़ रहा है। एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स पे खर्च करना, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पे खर्च करना, बिग एजुकेशनल हब पे खर्च करना, स्विमिंग पूल्स पे खर्च करना, मुझे लगता है ये सब अर्बन प्रोजेक्ट है जो DMF के पैसे का बड़े पैमाने पे मिसयूज है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरमेंट की हाल में आई DMF की स्टेटस रिपोर्ट में कई आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट में 12 खनिज समृद्ध राज्यों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें 5 मुख्य राज्य झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान पर ज्यादा जोर दिया गया है। इन राज्यों से देश के कुल DMF फंड का 72%, यानी लगभग 18,467 करोड़ रुपए आता है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में गठित इस योजना का मकसद खनन प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाना था, पर 4 साल बाद ही हकीकत इसकी उल्टी है। खनन प्रभावित लोग जो इस योजना के लाभार्थी हैं, उन्हें किसी भी DMF ट्रस्ट ने आइडेंटिफाई नहीं किया है। DMF प्रशासन में प्रभावित लोगों का कोई प्रतिनिधित्व नहीं है, साथ ही ग्राम सभा सशक्त होने के बावजूद उन्हें कहीं भी फैसले लेने की प्रक्रिया में शामिल नहीं किया गया है। जिला स्तर योजना होने के बावजूद राज्य सरकारों की दखल अंदाजी जरूरत से ज्यादा पाई गई। अभी तक ये योजना उचित प्लानिंग के अभाव में चल रही है। So the major findings of the report has been that two things. One of the DMFs has two focus areas. One is mining affected people, who are the beneficiaries of the trust, because DMF is a trust under the law, and then the mining affected areas. Now, since a trust has a major obligation to serve its beneficiaries, who are the mining affected people, the biggest drawback right now is none of the beneficiaries have been identified. So the entire focus of DMF spending is right now area-based and not people-centric. One of the classic fallouts of that is that, you know, when we talk of women and child nutrition issues, there is need of direct benefit transfer or targeted beneficiary intervention, which cannot just be done by area development. So that's the biggest problem, one of the biggest problems of DMF is the report's finds. Those are the two major, one is the beneficiary not being identified, which is intervening, which is a problem in targeted intervention. And the second thing is in the planning is the biggest drawback, because if you do not have a planning and of course a proper administrative setup, practically DMF is running out of DC office. Or a rural development office where they're burdened with NREGA and all other work. So if you do not have an office where districts such as Dhanbad has 950 crore sanctions right now, how do you administer this fund? And if you do not have a proper administrative setup, you do not have a planning, then of course in no time DMF is going to go heavy. It's going and it's going to become a bigger and bigger problem. Zila Prashasan ki shamta se ye fund kahin zyada hai. साफ है कि ना ही उनके पास जरूरी एक्सपर्टीज है और ना ही समय। CAC का कहना है कि वर्तमान में DMF के सामने कैपेसिटी गैप सबसे बड़ी चुनौती है। इट इज क्वाइट क्लियर दैट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इज फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू डू ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट हैव बीन इंटरेस्टेड टू देम अंडर DMF। दैट्स कमिंग आउट क्वाइट क्लियरली। देयर इज ऑल्सो एन इश्यू ऑफ गाइडेंस। द लॉ इज क्लियर, but maybe there is a requirement of a very clear guideline on what to do and how to do. The capacity gap today is largely because they do not have the support of the people
to take these projects forward. जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइंस में स्पष्टता की कमी को एक बड़ी समस्या बताया गया। रिपोर्ट लॉन्च के अवसर पर खनिज मंत्रालय के अफसर ने ये बात साफ की कि मंत्रालय इन गाइडलाइंस को और स्पष्ट करने की दिशा में काम कर रहा है। साधिका तिवारी की रिपोर्ट, गो न्यूज़।